एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन फूड एंड फ्लेवर्स। मैं अनीता शर्मा आज फिर आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ, आम की चटनी। आम की चटनी ज़्यादातर गर्मियों में बनाई जाती है क्योंकि आम तो गर्मियों में ही मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं आम की चटनी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है। हमने कच्चे आम लिए हुए हैं, कड़ी पत्ता लिया हुआ है हमने, प्याज लिया हुआ है, पुदीना लिया हुआ है, लहसुन लिया हुआ है, साबुत मिर्च ली हुई है, हरी मिर्च ली हुई है मैंने, सरसों के बीज भी लिए हुए हैं मैंने, नमक लिया हुआ है, रिफाइंड ऑयल लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इन सभी चीज़ों को ग्राइंड करेंगे। मैंने पुदीना को डाला है बीच में, अब मैं प्याज डालूँगी काट के। प्याज को मैंने पहले ही छील के रखा हुआ था। जम्मू में इसे आम का शशरा बोलते हैं। अब मैं लहसुन डालूंगी बीच में, वो भी मैंने छील के रखा हुआ था। अभी हरी मिर्च डालेंगे काट के। अभी मैंने आम को छूर के रखा हुआ था, देखिए अब मैंने आम को डाल दिया बीच में। अब मैं इसमें नमक डालूंगी स्वाद के अनुसार। अब मैं इसमें थोड़ी पिसी हुई शुगर डालूंगी ताकि ये खट्टी मीठी बने। आप चाहें तो डाल सकते हैं या नहीं। अब मैं कोई 2 स्पून इसमें पानी डालूंगी। अब मैं इन सब चीज़ों को ग्राइंड करूंगी। देखो मैंने ग्राइंड कर दिया है, ये खाने में बड़ी टेस्टी होती है। हम इसको स्नैक्स के साथ, चपाती के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। अब मैंने पैन को गैस पे रखा हुआ है धीमी आंच पे। अब मैं इसमें रिफाइंड ऑयल डालूंगी कोई 3 स्पून। तेल हमारा गरम हो चुका है। अब मैं इसमें साबुत मिर्च डाली है मैंने। अब मैं इसमें सरसों के बीज डालूंगी, देखिए। अब मैं इसमें कड़ी पत्ता डालूंगी, इनको ही लाऊंगी पहले, फिर मैं इनमें कड़ी पत्ता डालूंगी। चटनी में इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, कड़ी पत्ते का और सरसों के बीज का। अब मैं इसे चटनी में डाल दूंगी, मैं इसका तड़का लगाऊंगी चटनी को। ये देखिए कितनी अच्छी हमारी चटनी बन गई है। ये देखने में जितनी अच्छी लग रही है, खाने में भी इतनी ही टेस्टी है ये। आप भी घर पर ज़रूर बनाएं। आम की चटनी तो वैसे भी सभी बनाते हैं अपने 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 घर में, लेकिन मैंने अपने तरीके से बनाई है। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।